हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है हमारा वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सबको बहुत अच्छे से आता है वो टॉपिक। एज यू नो, कॉमर्स वाले हो तो कुछ आए ना आए, आज वाला टॉपिक तो डेफिनेटली आप लोगों को आता होगा। और टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। जी हाँ, ये डेप्रिसिएशन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, 11th क्लास से। मैडम पढ़ाती थी स्कूल लेवल में, फिर आपने इसके बाद भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में या जो भी सब्जेक्ट है आपके। मतलब ये टॉपिक तो हमेशा आपके फेवरेट है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालना, ये तो आता ही है आप लोगों को। तो क्या करते हैं, देखते हैं कितने मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के निकालने के। मेथड तो बहुत होते हैं, मेनली तीन मेथड की मैं बात करूँगा। तो मेथड लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं मेथड। मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो सब इररिलेवेंट है, वो बड़ा कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों को मुझे बता दोगे। तो पहला है जो मेथड है, जो बहुत ही प्यारा सा मेथड है और बहुत सबको बहुत पसंद है, ये वाला मेथड, जिसका नाम क्या होता था, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यही दो मेथड मैक्सिमम जो आप यूज होते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, इसको आप लोग डिमिनिशन बैलेंस भी बोलते थे, ऐसा लिख दो, या फिर इसको कांस्टेंट रेट मेथड भी बोलते हैं, या फिर बुक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, कोई भी नाम ले लो। एक तीसरा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। बस ये तीन मेथड पढ़ने आपको। और अच्छा, आप लोगों ने बस थोड़ी सी बातें बतानी है मुझे, और कुछ ऐसे चेंजेस नहीं है कि सर हो सकता मैथ्स में फॉर्मूला चेंज हो, नहीं कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। बस जो आपने पढ़ा है ना, उसी को मैं मैथमेटिकली चीजें बस बता दूंगा और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके माइंड को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, बाई सारी चीज हो जाएंगे, ठीक है। तो तीन मेथड है, स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, सम ऑफ ईयर पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड में आप लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकाल देते हैं? सर टोटल कॉस्ट बता दो और नंबर ऑफ ईयर बता दो एसेट्स की, डिवाइड करेंगे, हर साल वही डेप्रिसिएशन लगना है, वो फिक्स होता है। जैसे मैं बोलता हूं मशीन की जो कॉस्ट है वो है 1 लाख रुपए, और आप लोग मैं बोलता हूं लाइफ है जो उसकी, लाइफ ऑफ मशीन वो 10 ईयर है। बेटा डेप्रिसिएशन बता सकते हो? तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन जो हर साल आप लगाओगे, अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो वो भी आएगा, अदरवाइज नॉर्मल एनुअल डेप्रिसिएशन क्या, लेट्स से स्क्रैप वैल्यू मैं बोल देता हूँ, स्क्रैप वैल्यू मिल रहने देता हूँ, तो एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होता है, सर टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन नंबर ऑफ, तो स्क्रैप ले लेते हैं सारी वैल्यू 10,000। एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो हमारे पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा वो आप लोगों को पता ही है कितना आएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ ईयर, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया 9,000। मतलब सर 10 साल तक आप 9,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाओगे, लास्ट में जो वैल्यू 10 साल बाद जो उसकी स्क्रैप वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी, 10,000 रुपये बचेगी, सिंपल ही डेप्रिसिएशन है।
9000। इतनी बात तो आपको पता ही है, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, तो इतना उतार लो। फिर इसी को फॉर्मूले फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो पॉज करो, नोट करो। हाँ जी, ये नॉर्मली चीज आपको पता है, देखो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, नॉर्मल आपको पता है ये फॉर्मूला, तो जो मैं लिखवाने वाला हूँ ना उससे कोई रिलेवेंट भी नहीं है। मैं इन्हीं को है ना एक नाम दे दूंगा बस, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो उसे कोई जरूरत नहीं है। देखना, मैं सिर्फ इसी को एक छोटे छोटे वर्ड दे दूंगा, इसको सी बोल दूंगा, इसको एस बोल दूंगा, इसको एन बोल दूंगा, तो जरूरी नहीं है वो उस वर्ड में याद होना चाहिए। फाइनली क्वेश्चन में आपको इस तरह दिया होगा, ये चीज पता होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं सिंपल सा, मैं बोल देता हूं टोटल कॉस्ट को सी, फिर स्क्रैप वैल्यू को एस, नंबर ऑफ ईयर एन बोल दिया, एनुअल डेप्रिसिएशन जो हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है ऑब्वियसली इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन होगा, उसको मैंने डी बोल दिया, और टोटल डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसे बोलते हैं आप लोग, उसको मैंने डब्ल्यू बोल दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन। बोल, फॉर्मूला क्लियर है? ये तो बात पता ही है, ये ना भी पता तो हो गया, तो ये बात पता है ना, ये बहुत है। और अगर मैं आपसे टोटल डेप्रिसिएशन पूछूं, टोटल डेप्रिसिएशन क्या होगा सर? टोटल डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता, एनुअल डेप्रिसिएशन जितने साल डेप्रिसिएशन लगाना है और जितना डेप्रिसिएशन लगाना है दोनों क्या करना आपस में बस मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल डेप्रिसिएशन इक्वल टू डी, तो क्या होगा ये डी इंटू में बोलो, सिंपल है ना, भी याद हो तो भी चलेगा, कुछ उतना नहीं है। बोलो ये चीज से बात पता है क्लियर, एक क्वेश्चन देते हैं उस क्वेश्चन से जाए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीजें। और तो पहले इसे उतार दो, उसके बाद फिर देखते हैं, पॉज करो फिर उतारो उसको, कर दिया पॉज, ठीक। हाँ जी, क्वेश्चन देते हैं, एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर हम देखेंगे फटाफट, एग्जांपल नंबर 46, ठीक है, एग्जांपल नंबर 46 हम देख रहे हैं, उस एग्जांपल नंबर 46 में पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या बोला हुआ है उसने क्वेश्चन को 46 में, अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 50,000, 50,000 रुपए कॉस्टिंग है, यूजफुल लाइफ 4 साल, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000, स्ट्रेट टाइम मेथड यूज करो, एनुअल डेप्रिसिएशन बताओ और डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बताओ। सर ये क्या डेप्रिसिएशन शेड्यूल? डेप्रिसिएशन शेड्यूल कुछ नहीं है, सिंपल सा ये है कि उस डेप्रिसिएशन शेड्यूल में आपको तीन चीजें बतानी है, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन, और हर एक साल के बाद उसकी बुक वैल्यू बतानी है। मतलब जो ये शेड्यूल बनेगा कितने साल का बनेगा, वो 4 साल का, क्यों? फिर इस नंबर ऑफ लाइफ कितनी है, 4 साल है, ठीक है। तो बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हो जो चीजें दी हुई है वो लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 46 हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर भी बता दूंगा, पेज नंबर है हमारे पास 199, जेपे ठगराल की किताब है ये, ठीक है ना। हाँ जी, हमें टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है 46 में, हमें जो टोटल कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है 50,000, नंबर ऑफ ईयर कितना है बोलते जाओ यार, नंबर ऑफ ईयर हाँ 4 ईयर, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10,000, क्या पूछा है आपसे, एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन डी इक्वल टू 50,000 माइनस 10,000 अपॉन में 4, बोलो 10,000 आ गया, बोलो इतनी सिंपल है ये, तो देख लो क्या आएगी, ये कोई क्वेश्चन है कंसर्न में। और दूसरा पार्ट क्या बोले, डेप्रिसिएशन शेड्यूल पूछा है, डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाते हैं, डेप्रिसिएशन शेड्यूल, हाँ जी, कितने साल का बनाऊं मैं, 5 साल का, फिर 4 साल, हाँ जी लिखते हैं फिर एनुअल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन और स्क्रिप्ट वैल्यू, हाँ जी 0 ईयर पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, 0 पे उसी टाइम कुछ भी नहीं लगेगा ना सर,
यहाँ पे ईयर लिखता हूँ, ऐसे लिख देते हैं पर्टिकुलर स्लैश ईयर, जीरो ईयर पे डेफिशिएंट कितना जीरो, टोटल डेफिशिएंट कितना होगा फिर जीरो, तो फिर बुक वैल्यू कितनी होगी इसकी 50,000, जीरो पे तो कहाँ से आ रहे हैं। पहले साल पे एनुअल डेफिशिएंट कितना लगा 10 साल, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, हर साल कितना डेफिशिएंट लग रहा है 10,000, 10,000 और 10,000, एक मिनट, और टोटल डेप्रिसिएशन पहले जीरो है, ये टोटल डेप्रिसिएशन कितना 10, अच्छा यहाँ पर इतना 10,000 है ना, सही है, कितना आएगा यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन, दूसरे साल में कितना डेप्रिसिएशन लग गया, इस साल में 10, इस साल में 10, तो टोटल कितना हो गया सर, ये टोटल 10 नहीं हुआ, कितना होगा 20,000, ये इतना 30,000 और ये 40,000। हाँ जी, पहले साल डेप्रिसिएशन 10,000 लगाया था, कितना बचेगा फिर 40,000, हाँ जी टोटल 20,000 पे लग चुके हैं डेप्रिसिएशन 30,000, हाँ जी अब 20,000, अब 10,000, बोलो बात समझ में आती है, सही है ना, ठीक है, देख लूंगा पूरा आ रहा नहीं आ रहा, हाँ आ रहा पूरा, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है, कैसे उतारो है कुछ नहीं, ये तो आता है आप सबको। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ है तो एक्सरसाइज में देखेंगे, इतनी यही सब बातें बोला हुआ है, सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज, क्वेश्चन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा यार, ठीक है, उतारो इसे, पॉज करो और उतारो, दूसरा मेथड पढ़ना है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, ये भी आप लोगों को पता है कि सर इसका मतलब क्या होता है, इसका अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, जैसे मैं बोलता हूं अगर एक मशीन की कॉस्ट 50,000 रुपए है और उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, मतलब वो 5 साल तक चलेगी, ठीक, तो सर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, फिक्स होता था सर, जितना डेप्रिसिएशन पहले साल में लगेगा उतना ही डेप्रिसिएशन आखिरी साल तक लगता रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, पर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में ऐसा नहीं है, वो तो रहता है कि जितने लाइफ है ना उसकी डेप्रिसिएशन थी उसके अकॉर्डिंग लगेगा, मतलब कि आप जितना कम लाइफ हो रहा उतना कम डेप्रिसिएशन, जितना ज्यादा लाइफ हो उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन, मतलब वो प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन की बात करता है नंबर ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग, अगर सिंपल से वर्ड में बोलो कि यार जितना नंबर ऑफ ईयर है ना उसी तरह रिवर्स ऑर्डर में डेप्रिसिएशन लगने लग जाएगा, जैसे अगर मैं बोलूं 5 साल है तो पहले साल में 5 साल लग जाएगा, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, इस तरह से, अब वो 5 साल 4, 3, 2, 1 क्या है उसको फिर प्रोपोर्शनल रहेंगे कि भैया 5 साल वाले में कितना प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन जाएगा, फिर 4 साल पे इतना जाएगा, 3 पे इतना आया, 2 पे इतना जाएगा, 1 पे इतना जाएगा, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा, क्यों, चूंकि उसकी जो लाइफ है और उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कम होती जा रही है, ठीक है, जैसे देखते हैं सिंपल सा ये चीज, और चीज समझ में आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इस क्वेश्चन थ्रू चीजें भी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर हम देखते हैं 47, एक बार 47 एग्जांपल देखो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें और अच्छे से समझेंगे, तो एग्जाम्पल हम 47 क्या बोला पढ़ते हैं, कहते हैं मशीन विच कॉस्ट 15,000 रुपए इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ 5 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू जीरो, 5 साल चलना है मशीन पे, कॉस्ट 15,000 रुपए है, 5 साल तक चलेगी, उसके बाद उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाती है, जीरो, मतलब सारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा, फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन, हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगता है वो बताओ, एंड फॉर्म अ डेप्रिसिएशन शेड्यूल, एक डेप्रिसिएशन शेड्यूल फॉर्म करो यूजिंग द सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, अब क्या बोला उसने, एक शेड्यूल बनाओ जिसमें सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से कि आप एनुअल डेप्रिसिएशन भी बताओ और साथ साथ जो टोटल डेप्रिसिएशन लग रहा है वो भी बता देना आप, ठीक है, तो बनाते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन में डालते हैं और टोटल डेप्रिसिएशन भी इसका बताते हैं, तो शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है, उस शेड्यूल में सब आ जाता है डेप्रिसिएशन शेड्यूल, हाँ जी पहले में कितना साल का ईयर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना, 5 साल का,
ये रिवर्स ऑर्डर है क्या सर? यही तो बता रहा है वो कि सर पहले साल में मशीन की लाइफ 5 साल है, तो मैं 5 साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, उसके बाद 4 साल, उसके बाद 3 साल, उसके बाद 2 साल, फिर 1 साल। हाँ जी, ये थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये 5 यहाँ पर। अब इसका टोटल कितना जाएगा ये बता दो मैं। तो डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन बता सकते हैं? एनुअल डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन लगना है। आपने बोला सर पहले साल में 5 साल डेप्रिसिएशन लगेगा, तो सर रेट तो नहीं दिया होता, सम ऑफ डिविडेंड रेट नहीं होता, इसी ईयर अकॉर्डिंग लगेगा। तो पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा सर? 5/15, दूसरे में 4/15, तीसरे में 3/15, 2/15, 1/15। हाँ जी, मशीन की कॉस्ट कितनी है? मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 15,000 रुपये। तो 15,000 और ये भी 15,000 नजर आ रहा है। बराबर कितना होगा? 5,000, 4,000, 3। बोले इतनी बात समझ में आती है? अब यहाँ पे क्या बोला उसने? शेड्यूल बना रहे भाई। शेड्यूल का मतलब क्या हुआ? आपसे एनुअल डेप्रिसिएशन भी पूछ रहा है, साथ में क्या पूछ रहा है? टोटल डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, बता दो टोटल डेप्रिसिएशन। पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5,000। कंफ्यूज मत होना, इस टोटल डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, ये पता है आप लोगों को। तो पहले साल में कितना है? 5,000। ये कितना जाएगा? 9,000। ये 12, ये 14। हाँ जी, कंफ्यूजन ना हो तो याद रखना, ये CF जो आप लोग पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी मेजर, CF ही बोलते हैं। तो ये वर्ड यहाँ ठीक नहीं, वैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे होती है ना, बस ये टोटल डेप्रिसिएशन बच गया, जिसे एक्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन में रहते हैं। ये रहो, पूरे 15,000 पे लग गया 5वें साल तक में, स्क्रैप वैल्यू 0 भी बच गई, ये टोटल डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। बोले बात समझ में आती है सर? जितने साल के लिए वो डेप्रिसिएशन, जितने साल के लिए वो लाइफ बची उस मशीन की, उतना डेप्रिसिएशन लगना पर पोर्शनेट, बस इतनी सी बात बोली हुई है। बोलो इतनी सी बात समझ में आती है? ठीक है, अगर समझ में आती है तो इसे उतारो। फिर देखते हैं सबसे प्यारा मेथड जो आप सबको बहुत पसंद है, जिसे बोलते हैं हम डिमिनिशिंग रिटर्न डाउन कॉन्स्टेंट रेट। तो पॉज करो, नोट करो। हाँ जी, लास्ट मेथड जो आता है WDV, बहुत फेमस नाम है WDV, आपको पता है डिमिनिशिंग बैलेंस। किताब में आपको ज्यादा वर्ड मिलेगा कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड, कन्फ्यूज मत होना, इसी को बोलते हैं WDV। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी बहुत अच्छे से, आपको पता भी है कि सर डेप्रिसिएशन जो लगता है वो हमेशा बुक वैल्यू पे लगता है, कॉस्टिंग पे, टोटल कॉस्ट पे नहीं लगता डेप्रिसिएशन में। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? जो बची हुई वैल्यू होती थी हमारे उस एसेट्स की, उस पे डेप्रिसिएशन लगता है, ये आपको पता है। और इस वाली डेप्रिसिएशन की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है? आपको पता है कि इस पे मशीन की कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आपको ये बात पता है कि जो भी वैल्यू होगी कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट जीरो कभी नहीं होगी, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा बचती है, ये बात तो श्योर है। ठीक है, मतलब स्क्रैप वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ आएगी आपके पास, ऐसा बहुत नहीं होगा कि आपके पास जीरो जाए स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो ये मेथड क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल के बाद इसी में, यही में एक फॉर्मूला है, वो भी फॉर्मूला आपको पता है, बस वो फॉर्मूला डेरिवेट कैसे हुआ, डिराइव कैसे हुआ, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से समझते हैं। मैं बोलता हूँ कॉस्ट मेरे पास है कितना, बोलूँ चलो 50,000 ले लिया, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, लाइफ है 4 ईयर, डेप्रिसिएशन लगा। मैं दो तरह से लूंगा, एक फॉर्मूले थ्रू लूंगा, मतलब फॉर्मूले थ्रू मतलब कि इसको डेप्रिशिएट करूंगा, ठीक है, और उसी का फिर नॉर्मल वैल्यू में लूंगा, जो फिगर लूंगा चाहे जो भी वर्ड जो लिखा वो फॉर्मूला, मैं उससे फॉर्मूले डिराइव कर सकूँ। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कॉस्ट है मेरे पास 50,000 रुपये, टोटल कॉस्ट 50,000, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर
एट द रेट ऑफ 10%। कितना है, कितना आएगा, 5,000 रुपये। कितनी बची वैल्यू, 45,000 रुपये। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, याद आ रहा है कुछ, आप सबने 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर में ऐसे ही पूछ किया था, है ना। देखो सब चीज़ें वही घूम कर आती है, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन कितना, 10%। 10% किसका, 50,000 का नहीं, 10% किसका निकालते हैं, 45,000 का। तो कितना आएगा, 4,500, 40,500। माइनस डेप्रिसिएशन कितना, 4,050। कितनी वाली बचेगी, 0,5,4। छत्तीस हजार बचे। जीरो, 10 में 5 या 5, 4 में से 4, 36,450। और 10 में से 4 माइनस डेप्रिसिएशन, ये बुक वैल्यू एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, और सेकेंड थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन 10%, 3,645। हाँ जी बताओ, वैल्यू बताओ क्या होगी, बताओ बताओ। थ्री टू एट जीरो फाइव माइनस डेप्रिसिएशन 10% इंटू 10%, 3,280.50 माइनस 2,9524.50। ये जो वैल्यू आई आपकी बुक वैल्यू एंड ऑफ तो ये जो आई है वैल्यू आपके पास, ये आई है मेरे पास, ठीक है, बुथ वाली एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 29,524.50 आई है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे ना डायरेक्ट वैल्यू बताओ कि एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ नॉट सेकंड थर्ड ईयर बोल रहा हूं, मुझे वैल्यू बताओ कि तीसरे साल में जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया, जो थर्ड ईयर जो डेप्रिसिएशन है, एक मिनट यहाँ गलती है, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर ये, और ये एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। हाँ जी, पहले साइड डेप्रिसिएशन, दूसरे, तीसरे, चौथे, उसके बाद बुक वैल्यू है एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर है। कोई गलती नहीं है यहाँ पे, सॉरी। सॉरी Provision, book value at the end of first year, book value at the end of second, book value at the end of third, book value at the end of fourth. तो मैं बोल रहा हूँ आपसे सिंपल कि अगर मैं आपसे पूछूं मुझे तीसरे साल का जो डेप्रिसिएशन है, जो तीसरे साल का जो डेप्रिसिएशन है, मुझे ये जो वैल्यू है ये बता दो मेरे को कैसे आएगा।
डायरेक्टली मैं पूछूं आपसे, मैं आपसे नहीं कह रहा, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, मैं आपको बोलूं कि तीसरे साल डेप्रिसिएशन निकालो, मैं बोला उसकी लाइफ 4 साल है, तो आप सिंपली ऐसे करोगे फटाफट निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं तीसरे डेप्रिसिएशन करना 10 साल तक और उसके बाद मुझे 8वें साल की वैल्यू निकालो, तो थोड़ा मुश्किल नहीं है कि मैं पूरा ये चार्ट बनाऊं, उसके बाद 8वें साल में जो डेप्रिसिएशन आ रहा है मैं फिर वो निकालूं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको कैसे निकालेंगे, अगर मैं आपको बोल दूं तो ये डेप्रिसिएशन है तीसरे साल का, ठीक है, ये निकालना था आपको, यह हमें पता नहीं है, ठीक है, और मैं आपको बुक वैल्यू जो रिटर्न ऑन वैल्यू है वो दे दूं सेकंड ईयर का एंड और थर्ड ईयर का एंड, ठीक है, मतलब ये जो थर्ड ईयर बिगनिंग रहा है, ये फोर्थ ईयर की जो बिगनिंग रहा है, ये थर्ड ईयर एंड है तो फोर्थ ईयर बिगनिंग रहा है, ये सेकंड ईयर एंड है तो थर्ड ईयर की बिगनिंग रहा है, ये दो वैल्यू दे दूं तो सिंपली निकाल लोगे आप। अब ये बोले सर सेकंड ईयर एंड के थर्ड ईयर का एंड से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, वही तो आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मुझे ये वाली वैल्यू निकालने के लिए मुझे कौन सा चाहिए होगी, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, बोलो ये बात समझ में आती है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं बोलता हूं कि मुझे डेप्रिसिएशन बताओ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो आप क्या बोलोगे, सर डेप्रिसिएशन जो हो रहा थर्ड ईयर का वो आप मुझे क्या करो बुक वैल्यू दे दो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर और बुक वैल्यू दे दो किसकी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल डेप्रिसिएशन चाहिए तो उसे पहले वाला दे दो उसका एंड वाला दे दो, दोनों डिफरेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन वाला बात समझ में आती है। अगर मैं फोर्थ ईयर बोलूं तो सर आप क्या बोलोगे, सर थर्ड ईयर का दे दो बुक वैल्यू और फोर्थ ईयर का बुक वैल्यू दे दो, दोनों डिफरेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन, बोले इतनी सी बात समझ में आती है। तो इसका मतलब बात एक और इससे फॉर्मूला बनता है सिंपल सा कि अगर मैं डेप्रिसिएशन फॉर nth ईयर पूछता हूँ आपसे, डेप्रिसिएशन फॉर nth ईयर, तो वो बुक वैल्यू किसी चाहिए होगी, बोलो ये बात समझ में आती है, nth ईयर तक चाहिए तो उससे पहले एक साल पहले वाला बुक वैल्यू चाहिए और उसी साल की बुक वैल्यू चाहिए। अगर मैं बोलूं यहाँ पे बोल दो मैं 5 तो पांच लिखा होगा, यहाँ पे 4 साल का बता दो और ये 5 साल का, 5-1 = 4, बोलो ये बात समझ में आती है। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा है कि आप जिस साल डेप्रिसिएशन किए उससे 1 साल पहले की बुक वैल्यू बता दो और उसकी वैल्यू बुक वैल्यू बता दो, दोनों डिफरेंस क्या होगा, रिटर्न ऑन वैल्यू बता दो, दोनों डिफरेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, बोलो इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बोलूँ जो मैंने बोला थर्ड ईयर बताओ मेरे को, तो मैं ये वाली वैल्यू को दे दूँ और ये वाली दे दूँ तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 4,050, बोलो इतनी सी बात समझ में आती है, ठीक है सर इतनी सी बात समझ में आती है, ठीक। तो पहले ये उतार लो, ठीक है, ये मैं रहने दूंगा, ये हटा दूंगा, फिर इसी चीज को मैं यहाँ पे वर्ड फॉर्म में लिखूंगा जिससे एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, वो डिराइव कैसे होगा बस मुझे वो बताना है आपको, ठीक है। तो पॉज करो और नोट करो, हाँ जी, अब इसी क्वेश्चन को मैं नॉर्मली वर्ड फॉर्म में लिखूंगा जिससे फॉर्मूला डिराइव हो पाएगा, जो फॉर्मूला आपको बहुत सिंपल सा है। मैं कहता हूँ कॉस्ट को आप लोग सी बोलते थे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो मैं आर बोल रहा हूँ, जो हमने 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिया था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है मेरे पास आर, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास, दैट इज सी, डेप्रिसिएशन कितना लगा रहा हूँ मैं एट द रेट आर है ना, मैंने आर लिया, आर डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, डेप्रिसिएशन देखो 10% जो डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ किस पे, कॉस्ट पे लगाया था ना 10% ऑफ 50,000, हर जगह देखो नजर आ रहा है जो बुक वैल्यू पे लगा रहे हो, ठीक है। तो पहले साल में डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगेगा, तो ये जो डेप्रिसिएशन आर आया रहते मैं बोल सकता हूँ ना कि ये आर लग रहा है किस पे लग रहा है, सी पे, आर जो लग रहा है किस पे लग रहा है, सी पे, कितना जाएगा सी आर, ठीक है, ये भी सी आ रही है, दिस इंटू दिस करोगे यहाँ पे लिखो दिस इंटू दिस, वो वैल्यू आ रही है 5,000 रुपए, पर यहाँ पे वैल्यू नहीं है ना, तो आर किस पे लाना है, कॉस्ट पे लाना है, तो आर इंटू सी सी आर, नहीं समझ में आती है, इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आती है, इसमें 45,000 आई थी, इसमें से ये माइनस करूंगा इसमें कुछ माइनस नहीं सकता, तो सी माइनस सी आर लिख सकता हूँ, बोलो सिंपल है इतना,
डेप्रिशिएशन एंड ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. बोलो इतने में डाउट है पहले तो बोलो, इतना सा क्लियर है सी माइनस सी आर. अच्छा ये ध्यान देना, इसमें से सी कॉमन आ सकता है, इसको मैं अगर चाहूँ तो सी वन माइनस आर लिख सकता हूँ, सी कॉमन आ गया सी वन माइनस आर, बोलो इस बात समझ आ गया. तो मैं इससे आप क्या लिख सकता हूँ, सी वन माइनस आर, बोलो ठीक है. अब डेप्रिसिएशन दूसरे साल पर, आर डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर, किस पे डेप्रिसिएशन लगना है, जो सर बुक वैल्यू है फर्स्ट ईयर की, देखो 10% किस पे, जो बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू क्या है सी वन माइनस आर, तो आर इंटू सी वन माइनस आर, बोलो समझ में आता है इतना सा. मैंने जैसे 10% था तो ये वैल्यू 45,000 रुपये आई थी, ये वाली वैल्यू पूरी, तो मैंने वो पूरी 45,000 ली इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर लिया, वो इतनी बात समझ में आती है. डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ सेकंड, सी वन माइनस आर आर सी, तो मैं इसे क्या लिखूंगा सी वन माइनस आर, दिस माइनस सी आर वन माइनस आर, बोलो ये भी बात क्लियर है. अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है यहाँ देखता हूँ, ठीक है मेरे पास जो सेकंड ईयर की वैल्यू आएगी सी वन माइनस आर माइनस सी आर वन माइनस आर, ये वैल्यू है. वैसे तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, सर एक चीज तो नजर आ रही है सर, वन माइनस आर कॉमन है और साथ में सी भी कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ सर वन बचा, सब बाहर आ गया ना, माइनस यहां पे क्या बचा सर आर बचा, तो वन माइनस आर वन माइनस आर, तो इसमें लिख सकता हूं सी वन माइनस आर, बात क्लियर. तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, इसके जगह पे हटा दू इसे, पहले उतार लेता हूं, उतार लेना फिर मिटा रहा हूं, तो इसके जगह पे मैं भी लिख सकता हूं सी वन माइनस आर प्लस सेकेंड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन एंड ऑफ ईयर, डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, डेप्रिसिएशन तो सेकेंड ईयर, तो ये जो है ये बुक वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक. इसी तरह मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, एक और अगर कह देते थे सर डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन जो लगना है वही लगेगा सर आर डेप्रिसिएशन, किस पे आर किस पे लगेगा इस पे, तो आर इंटू में सी वन माइनस आर का स्क्वायर. अभी जो बुक वैल्यू आएगी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, इसमें से ये माइनस करना है, तो सी वन माइनस आर का स्क्वायर माइनस सी आर वन माइनस आर का स्क्वायर, इसको करते हैं यहाँ सर सी वन माइनस आर का स्क्वायर माइनस सी आर वन माइनस आर का स्क्वायर, ध्यान रखना कॉमन क्या आ रहा है सर, सी आ रहा है वन माइनस आर का होल स्क्वायर कॉमन, सी वन माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बचा सिर्फ, सॉरी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा सिर्फ वन, यहाँ क्या बचा सिर्फ आर बचा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी वन माइनस आर का, ठीक है. तो इस पूरे जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ सी वन माइनस आर बोल, क्लियर है इतना. इसी तरह फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर, मतलब एक चीज क्लियर हो रही सर, जिस साल की बुक वैल्यू निकालनी है उसमें ये रहा फॉर्मूला, उतने ईयर लेना है, जिस साल में निकालना है जिस साल बुक वैल्यू निकाल लिया श्योर, इससे एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, आप बेहो ध्यान से वो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, तो ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है. वो जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ तो वो जो बना फॉर्मूला हमारे पास, कि अगर आप जिस साल में डेप्रिसिएशन निकालना है उसके कॉस्ट ऑफ वन माइनस आर की पावर उतनी होनी चाहिए. तो मैं सिंपल बोलूं, अगर मुझे स्क्रैप वैल्यू बतानी है, ठीक है, किसी भी एसेट्स की, तो मैं कॉस्ट लू वन माइनस आर लू, और जितने साल तक उस मशीन की लाइफ है उतनी पावर ले लू, बोलो देखो वही आ रहा है. अगर मैं बोल रहा हूँ अब मुझे इस
इस फॉर्मूले से बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बताओ। सर कॉस्ट मुझे पता है, नंबर ऑफ ईयर कितना है, 3 हो जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में दिया होगा, ये सब वो देखते हैं सर वहां वाला। मुझे थर्ड ईयर की बुक वैल्यू बताओ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो बुक वैल्यू मेरे पास क्या होगी, कॉस्ट कितनी थी मेरे पास 50,000 रुपये, 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था 10%, तो 10% कैसे लिखूं, 0.10 पावर कितनी 3, देखो अपने आप जो 0.90 3 बार मल्टीप्लाई करो इंटू 50, देखो कैलकुलेटर है आपके पास, 0.9 इंटू में इक्वल इंटू में 50,000, 36,450 मेरा आया यहाँ पे, देखो 36,450 आ गया, बोलो वेरीफाई हो गया, ये समझ में आती है इसका, एक बात तो समझ में आ गया सर। अब लाइफ कितनी भी दियो, लाइफ जो भी दियो, अगर आप मुझसे डेप्रिसिएशन 30 साल का कुछ भी पूछोगे तो वही बता दूंगा कैसे। मैंने आपसे क्या पूछा था, डेप्रिसिएशन बताओ तीसरे साल का, यही पूछा था ना मैंने आपसे। अब मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे किसी तरह ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो ये आ जाएगा, तो थर्ड ईयर का निकाल लिया आपने, और सेकेंड ईयर का निकाल लो बुक वैल्यू, सेकेंड ईयर भैया 50,000 1 माइनस 0.10 की पावर 2 वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 40,500। नहीं इतना होता है यार, लो 0.1 इंटू में 0.1 नहीं 0.9 इंटू में इक्वल 0.81 इंटू में 50,000 40,500 आ गया सर। दूसरे साल की बुक वैल्यू, तीसरे साल की बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन इन दोनों के बीच में तीसरे साल में तो होगा यार, तो इन दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3,405,000, 4,050,000, यही तो डेप्रिसिएशन आपसे पूछ रहा था। बोलो बात समझ में आती है पूरी, तो एक जो फॉर्मूला मेरा फॉर्मूले बन गया वो सर ये बन गया, तो इस एस स्टैंड फॉर क्या था, स्क्रैप वैल्यू था, क्या था मैं स्क्रैप वैल्यू देखिए बताने का, नॉर्मल जितना लाइफ है उस एसेट्स की उतना था, तो इससे बुक वैल्यू बात जाएगी। मैं बोलता हूँ एट द एंड ऑफ 10th ईयर बताओ, मान लो किसी एसेट्स से बुक वैल्यू 20 साल, किसी एसेट्स की लाइफ 20 साल है, मैं पूछा 10 साल की बताओ, 10 साल की उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी, सर कॉस्ट पता होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता होगा, नंबर ऑफ ईयर कितना बोला सर 10 बोल दिया, अपने आप आ जाएगी, बोला सिंपल है श्योर। आराम से देखो, पॉज करो, नोट करो, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया था मैंने, इस तो क्या हुआ, ये बुक वैल्यू है, ठीक है, तो इसे ठीक कर लेना, दिस इज बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया जब हम एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल हम 48 में क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा समराइज कर दिया, कॉस्ट दी हुई है 50,000 पर, क्वेश्चन दी हुई है डेप्रिसिएशन रेट 8% दिया हुआ है, ईयर 10 साल दिया हुआ है, ठीक है, जो यूजफुल लाइफ है उसकी 10 साल है। अब उसने आपसे दो चीजें पूछी है, स्क्रैप वैल्यू एस बताओ, एस मतलब जो स्क्रैप वैल्यू है वो बताओ, और साथ में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 8वें साल में वो बताना है, ठीक है। तो जिससे आपको सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट 1 माइनस r की पावर n, तो स्क्रैप वैल्यू निकालना सिंपल, s इक्वल टू 50,000 1 माइनस 0.08 की पावर 10, इसे सॉल्व करो आंसर आ गया, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू तो आ गई, एक पार्ट हो गया मेरे पास, डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 8th ईयर, 8वें साल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, 8वें साल में टोटल नहीं पूछा आपसे, 8वें साल में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो बता दो, तो मैं क्या बोलूँगा भैया, आप मुझे ना बुक वैल्यू बता दो एट द एंड ऑफ 7th ईयर, और साथ में बुक वैल्यू बता दो एट द एंड ऑफ 8th ईयर, बोल रहे हो यही चीज बताया था मैंने, उससे एक साल पहले की बुक वैल्यू पर चल जाए उस, और उस साल की बुक वैल्यू पर चल जाए उसका एंड पे, ठीक है। ये एंड ऑफ 7th ईयर मतलब 8 ईयर की बिगनिंग है, बात समझ में आती है ना, ये एंड ऑफ 8 ईयर मतलब 9th ईयर की बिगनिंग, ये दो चीज पर चल जाए अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया था निकाला आपने, बताओ जाए कैलकुलेटर पर क्या होगा, हाँ जी ये कितना होगा 0.92 इंटू में, हाँ कितने बार बटन दबाओगे, 10 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, यह आया मेरे पास
इनटू में 50,000 मेरी वैल्यू आई है सर 21719, सही है क्या? मिलाते हैं आंसर, तुम्हारा जो आंसर है 21719 एकदम ठीक है, 21719.42 एकदम सही आंसर है, कैलकुलेटर में देख सकते हो आप, ठीक ये आ गया। अब डेप्रिसिएशन बताना है एट द एंड ऑफ एट्थ ईयर, तो बुक वाली एट द एंड ऑफ सेवंथ ईयर का फॉर्मूला क्या था, 50,000 1 माइनस 0.08 पावर कितनी 7 माइनस 50,000 1 माइनस 0.08 की पावर, ठीक है यहां पर देता हूं कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू निकालते हैं भैया जी, 50,000 1 अरे 0.92 वैल्यू बताओ इनटू में इनटू में 50,000 तो मेरे पास आया एक वैल्यू आई 27892.33 माइनस 0.92 इनटू में 4284 आया मेरा आंसर, ये 4284.42 आंसर नहीं, मतलब कहीं गलती हुई है उन सबसे, वैल्यू लेने में शायद गलती हुई है, एक बार मिलाते हैं जो आंसर। हाँ जी तो चेक करो जरा आंसर, मैं भी चेक करता हूँ, 0.92 हाँ जी ये तो सही है, वो देखते हैं शायद इसमें गलती है, 0.92 इंटू में 8234 हाँ जी 0.5132 इंटू में 50,000 वैल्यू इज 25660.94 माइनस करते हैं 27892.33 2231 2231.39 ये वैल्यू आई मेरे पास, बात समझ में आती है, सिंपल सा था ये, फिर से रहता हूँ कैलकुलेटर पर, अगर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो तो सर आपको याद रखना पड़ रहा है बार बार कितने बार बटन दबा रहे हो, देखो 0.92 है, ठीक है जब आपने 0.92 को इनटू और इक्वल दबाया तो जो भी वैल्यू आई आपकी वो पहले साल की वैल्यू है, ठीक है दिस इज योर फर्स्ट ईयर वैल्यू, ठीक है जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू आई है ध्यान देना, आप सबसे लेफ्ट में देखना जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होगा यहाँ पे, एक बार दबाने पे यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, जैसे मैंने एक बार दबाया है तो ये कितनी वैल्यू रही, ये पावर 2 हो रही, स्क्वायर हो गया, ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास 3 आया था, अगर दोबारा इक्वल कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 आ रहा है तो मेरा 3 वैल्यू हो चुकी है, ऑब्वियसली दो बार बटन दबाया मैंने 3 वैल्यू हो रही है, यहाँ 4 मुझे 8 तक जाना है तो मैं इसे इक्वल कर रहा हूँ, यहाँ पर इतना नहीं आ जाता 9 नहीं आ जाता तो मैं 9 तक गया हूँ मैं, ठीक है क्यों, क्योंकि मैं जब मैंने पहले बार बटन दबाया था स्क्वायर गया तो वहाँ पे 3 लिखा हुआ था मतलब 8 ज्यादा, तो यहाँ पे 8 है इसलिए मैं 9 पे गया हूँ, 9 पे मेरे पास वैल्यू आया 0.5132, मैंने 50,000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आया 25660.94, इसी में देखो जब मैं 0.92 को इनटू इक्वल दबा रहा हूँ तो ये स्क्वायर हुआ तो मेरे पास यहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ रहा है, मान लो यहाँ पे आपने ऑन करे कुछ और नहीं दबाया तो आप जैसे कैलकुलेशन कर रहे थे, जैसे आपने 0.92 इक्वल और इनटू इक्वल दबाया तो यहाँ पे जो वैल्यू हो रही इसका मतलब क्लियर, आपको 7 बार चाहिए ना तो जो भी यहाँ पे वैल्यू हो रही उसमें ऐड कर देना, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा स्क्वायर आया यहाँ पे 10 लिखा होता तो डिफरेंस इतना 8 तो यहाँ पे 7 चाहिए तो मैं कहाँ तक जाऊँगा, मैं 15 तक जाऊँगा क्योंकि डिफरेंस इतना चाहिए 8 होना चाहिए ना, इसीलिए तो वो यहाँ पे जो नंबर है उसका अगर आप समझ सकते हो कि बटन दबाओगे कहाँ तक बटन दबाना है आपको, ये बात क्लियर है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको कैलकुलेटर पर याद रख 7 है तो याद रह सकता है बटन दबाया आपने, तो ये वैल्यू है मेरे पास, ये क्या ये कौन सा अमाउंट है, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर एट्थ ईयर, बात समझ में आती है, तो इतना उतारो सिंपल सा था, इतना उतारो फिर क्वेश्चन करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन तो पॉज करो और नोट करो। हाँ जी एग्जाम्पल हम 49 देखते हैं। एग्जाम्पल हम 49 क्या बोला उन्होंने, उन्होंने ये बात बोली है, पढ़ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर वूज कॉस्ट रुपीज 5 लाख, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जिसकी कॉस्ट इतनी है 5 लाख रुपए है, डेप्रिशिएट करना है उसे, जिसकी स्क्रैप वैल्यू 50,000 रुपए हो जाती है 5 साल में अगले, मतलब 5 साल उसकी लाइफ है, डेप्रिशिएट करने स्क्रैप वैल्यू 50,000 रुपए, ठीक है। वट इज द बुक वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर एट द एंड ऑफ 30 ईयर, तीसरे साल में उसकी बुक वैल्यू रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है वो पता नहीं तीसरे साल में, ठीक है। दो मेथड से रिटर्न ऑन वैल्यू बतानी है आपको, WDV से भी और साथ में स्ट्रेट लाइन से भी, ठीक है, ये बताना है। तो मैंने सर समाइज किया, मैंने बोला बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 30 ईयर बताना है आपको, ठीक है, दो मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से और WDV मेथड से। कॉस्ट 5 लाख हुई, स्क्रैप वैल्यू 50,000, ये एन कितनी लाइफ है उस एसेट्स की 5 साल, क्या हमें रेट दिया हुआ है, नहीं दिया, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला रेट। तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 30 ईयर बताना है, ठीक है। तो मुझे सिंपल सर, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर मैं बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 30 ईयर निकालने के लिए जाऊं तो आप क्या बोलते हो सर कि मुझे डिमिनिशन बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, पहले WDV की बात कर रहा हूं मैं, WDV में क्या था सर, अगर मुझे बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 30 ईयर चाहिए, ठीक है, तो मुझे रेट पता चल जाए तो मैं नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता था, कॉस्ट 1 - r^n जो होता था, ठीक है, फॉर्मूला जो होता था स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू फॉर्मूले से मैं नॉर्मली, अगर मुझे आपको पता होता था यहाँ पे वैल्यू n पता होता था, रेट पता होता था, नॉर्मल हम क्या करते थे स्क्रैप निकाल लेते थे, या फिर बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ किसी भी ईयर का हम वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले थ्रू, लेकिन रेट हमें नहीं पता। तो जब हमें रेट नहीं पता हम बुक वैल्यू निकाल सकते, तो रेट कैसे निकाले, सिंपल सर, रेट आपको ये फॉर्मूला पता है ना, इससे रेट निकलाया कैसे सर, स्क्रैप वैल्यू आपको पता है, एन भी पता है, सी भी पता है, निकालते हैं। स्क्रैप वैल्यू कितनी है 50,000 रुपये, कॉस्ट कितनी है 5 लाख, 1 - r पता है नहीं पता, एन कितना है 5 है, करें सॉल्व, ये कितना हो जाएगा 0.10, ये भी नहीं समझ में आया कैसा है, 50,000 अपॉन में 5 लाख, ठीक है, इक्वल टू 1 - r^5, और निकाल रहे ये मेरे पास आया 0.10 इक्वल टू 1 - r^5। अब सर इसे कैसे सॉल्व करें, इसका मैं रूट करूं 1/5 तो भी सर बात नहीं बनने वाली। तो जब ऐसे होता है ना कोई भी पोर्शन, तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें लॉग लेना पड़ता है, मैं टेकन लॉग लेता हूं बोथ साइड, क्योंकि बिना लॉग के क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा, तभी भी जब एन भी निकालना होता है हमें तो भी हमें लॉग लेना पड़ जाता है, या फिर आर निकालना होता है तो हमें लॉग नॉर्मली लेना पड़ जाता है, टेकन लॉग बोथ साइड, ठीक है। जब लॉग बोथ साइड लेते हैं क्या जाएगा, लॉग 0.10 ये इतना जाएगा, लॉग 1 - r^5। अच्छा ये बात पता है आपको, लॉग की वजह जो भी पावर होता है पावर क्या होता है फ्रंट पर रहता है, तो इतना हो जाएगा 5 log 1 - r, ठीक है, ये इतना जाएगा लॉग 0.10। इतनी सी बात समझ में आती है, लॉग 0.10 की वैल्यू क्या होगा बताओ, लॉग टेबल से मुझे लॉग 0.10 की वैल्यू बताओ, उसके बाद 5 से डिवाइड करूंगा, एंटी लॉग लूंगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक। तो पहले इतना उतारो अगर ये रब करना है, उसके बाद फिर हम लॉग निकालते हैं इस वैल्यू की, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आर निकालते हैं, उसके बाद फिर देखें बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, वो बात की बात है, बोलो पहले इतना उतारो, पॉज करो ताकि फिर मैं मिटाऊं, ठीक है, पॉज द वीडियो। हाँ जी इसकी वैल्यू निकालते हैं सर, लॉग 0.10 टेबल में जाओ, लॉग 0.10 में सिर्फ क्राइटेसिस वाला पार्ट छोड़ो, मेंटिस वाला पार्ट देखो 0.10, लॉग पॉइंट लॉग टेबल में जाओ 0.10 की वैल्यू बताना मेरे को, लॉग 10 की वैल्यू, पॉइंट मेंटिस वाला पार्ट देखो सिर्फ 10, पॉइंट डेसिमल वाला पार्ट है सिर्फ उसे देखना है, डेसिमल वाला पार्ट ऐसा समझो ना कि यहाँ पे जो भी वैल्यू हो, ऐसा समझो कि ये जो भी वैल्यू है यहाँ पर 0.8m के लिए भूल जाओ, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 1.10 होता तो आप 110 की वैल्यू लेते 11 की, ठीक है, तो 0.10 8m के लिए भूल जाओ, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो पॉइंट अगर हट गया यहाँ पे तो वैल्यू कितनी जाएगी 0.10 मतलब 10, इतनी बात समझ में आती है सिंपल। तो लॉग 10 की वैल्यू क्या दी हुई है पीछे किताब में, लॉग 10 की वैल्यू पीछे दी हुई है
टेबल में वो जीरो 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 दी हुई है। मैं भी चेक कर लेता हूँ साथ साथ, आप भी देखते जरा। टेबल में जाओ आप लोग, लॉट टेबल में ओपन करो टेबल, वहां पे देखो आप लॉट के टेबल में 10 की वैल्यू 0.0000 चार बार जीरो दिया हुआ है, ठीक है, 0.4 बार 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखो वैल्यू, यहां पे जीरो है, तो ये लॉट में क्या होता है कि जो आप फैक्टर सिक्स वाला पार्ट है, यहां देखो यहां जीरो है, तो जो यहां जीरो होता है ना, तो उसमें ना उससे एक छोटी वैल्यू लेते हैं, लॉट में एक छोटी वाली लेते हैं। मान लो यहाँ पे अभी एक और वैल्यू लेकर बता दूंगा मैं, यहाँ पे जीरो है तो उससे एक छोटी वाली क्या होगी, माइनस वन। तो माइनस वन कैसे लिखते हैं लॉट में, वन बार, फिर कितनी बार समझ में आती है, तो ये फाइनली वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस, बोलो ये बात समझ में आती है, जीरो से एक छोटी वाली। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलता कि मुझे लॉट 1.10 की वैल्यू बताओ, फिर तो आप क्या करते हैं सर, मैं बोल रहा हूँ पॉइंट भूल जाओ, क्या बचा सिर्फ मेरे पास लॉग 110 नहीं, सिर्फ पहले दो डिजिट देते हैं, तीसरा डिजिट दे सकते हैं वो बताऊँ, पहले दो डिजिट देते, मान लो ये पॉइंट नहीं है तो कितना बच गया मेरे पास 110 है। तो पहले दो डिजिट चेक करो लॉग 11 पे कौन सी वैल्यू दी हुई है, 11 पे जाओ, 11 पे जाओ, ठीक है, मैं भी साथ साथ बोलता हूँ, लॉग 11 पे टेबल खोलो, 11 पे जाओ, 11 पे आपको वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है आपको 0.414, ठीक है, लॉग 0.414 दी हुई है। अब 11 देखने के बाद जो कॉलम दिया हुआ है आपको 0 से 9 तक था, उसमें 0 के नीचे देखो, 11 के 0 के नीचे जो आपकी वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपको 0.0414, आपको जो वैल्यू दी हुई है 0.0414 दी हुई है, ठीक। अब ये निकाली थी 1.10 की, ठीक है, तो 1 से 8 बड़ी वैल्यू कौन सी है, सॉरी छोटी वाली लेते हैं, एंटी लग लेते हैं, 1 से 8 छोटी वाली कितनी हो जाएगी, 0.0414। अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं, चलो अभी बने रहता हूं, बोले इतनी सवाल समझ में आती है, ठीक है, तो ये कितनी वाली आई, 0.0414। अच्छा यहां पे 0.10 होता, 0.10 नहीं, अभी तो फिलहाल 1.10 रहेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब अगर मैं तो मैं दूसरी वैल्यू बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ लॉग, पहले इतना लिख लो, पहले इतनी बात समझ में आती है ना, मैंने लॉग 110 किया तो ऐसे तरी लेते हैं, फिर एक मिनट, दो मिनट लगना है। अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो पहले तरी लेते हैं थोड़ा सा, फिर जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ लॉग 3462 की वैल्यू बताओ मेरे को, ठीक है, लॉग 3462 में आप 34 के 6 पे जाओ, 34 से 6 पे जब जाओगे तो वैल्यू क्या है वहां पे देखते हो, मुझे बताओ वैल्यू, 34 से 6 पे जाना जरा, 34 से 6 पे जाओ, 34 से 6 पे जो वैल्यू है आपके 1 2 3 4 5 6 5378 है, ठीक है, 5378, 34 के 6 कॉलम पे जब मैं गया 5378 है। अब जो लास्ट कॉलम है ना वहां 1 to 9 में, वहां 2 के नीचे देखो कितनी वैल्यू है, 2 के नीचे जो वैल्यू चेक करो, 34 से 6 पे, 34 से 6 पे 0 1 3 4 5 6 1 2 3 है, तो जो 3 है वो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5381, ठीक सर, ये वैल्यू तो समझ में आ रही है 5381, पर पॉइंट वाली वैल्यू समझ में नहीं आएगी, ठीक। तो पॉइंट वाली वैल्यू क्या है, देखो इतनी बात तो समझ में आती है आपको, 5381, एक मिनट शायद वैल्यू लेने मिलती है, या चेक करना मैंने वैल्यू ठीक लिया शायद, मैंने ऊपर नीचे कर दिया, 34 का 6 पे जाना, 34 का 6 पे 5391 2 3 4 5 6 5 3 9 1 है सॉरी 5 3 9 1 3 लिया मैंने, ये 5394 हो गया, ठीक, तो टोटल कितना 5394 सर, ये बात तो समझ में आ रही है 5394। अब बस पॉइंट वाली बात समझ में नहीं आई है, यहाँ पे वैल्यू देखना, क्या यहाँ पे कोई भी डेसिमल वाला पार्ट है, नहीं है, डेसिमल से पहले जो फैक्टर सिक्स है कितने हैं, 4 है, ठीक है, तो 4 है ना, तो यहाँ पे उससे एक छोटी वैल्यू कितनी जाएगी, 3 3 पॉइंट। अब अगर मैं आपसे यही वैल्यू, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ लॉग 346.2 की वैल्यू बताओ, मैं कह रहा हूँ पॉइंट भूल जाओ, 346 की वैल्यू यही होगी 5394, पॉइंट भूल जाओ, 346 की वैल्यू 5394 और इतनी बात समझ में आती है। अब जो ट्रैक्टर सिक्स है जो प्योर वैल्यू कितनी है, 346 कितनी वैल्यू, 3 है, 3 से एक छोटी वैल्यू कितनी जाएगी, बोलो, ठीक। अगर मैं ऐसे बोल दूँ आपको लॉग 34.62, ये क्या हो, मेरे पास यहाँ ध्यान से देखो,
ये वैल्यू ऐसे आएगी 5394, ठीक है। यहाँ पे इतना वैल्यू है, दो उससे छोटी 1.5394, ठीक। लॉग 346, सॉरी 3.462, 3.462 इतना जाएगा 0.5394। लॉग 0.3462, बोलो ये वाली कितनी जाएगी, जीरो है इसके लिए तो 5394 ही रहेगी, जीरो से छोटी वाली कितनी है 1 बार माइनस में, इसी तरह वैल्यू कम होती जाएगी। ये बात समझ में आती है इतनी सी, ठीक है। तो उसका सॉरी ये वाली कितनी हो जाएगी मेरे पास, तो पहले इसे उतारना तो उतार लो, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, पॉज कर रहा हूँ, उतार लो, करो करता हूँ। तो मेरे पास इसकी लॉग 0.10 वैल्यू आ गई -1, ठीक है, ये मेरे पास -1 आया। अब मेरे पास वैल्यू आ गई -1 इक्वल टू 5 लॉग 1 माइनस आर, तो लॉग 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/5 दैट इज -0.2, लॉग 1 माइनस आर इज इक्वल टू -0.2। अब मैं एंटी लॉग दोनों तरफ लूँ तो नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग नहीं आ सकता, नेगेटिव लॉग मतलब कि जो आप डेसिमल वाला पार्ट है वो प्योर होना चाहिए। तो इस डेसिमल वाले पार्ट को अगर मैं प्योर करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, जीरो से छोटी वैल्यू है तो -1 प्लस 0.8 लिख सकता हूँ, जीरो से छोटी वैल्यू -1 ही होगी, और उसमें कितना ऐड करूँ कि -0.2 0.8, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1/0.8, क्लियर है ना इतना। तो लॉग 1 माइनस आर, तो अब 1 माइनस आर, अब मैं दोनों तरफ एंटी लॉग लेता हूँ, एंटी लॉग लूँगा तो ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1/1, बोलो। अब बस इसकी वैल्यू पर चल जाए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो पहले इतना उतार लो फिर अब कर देता हूँ। हाँ जी, इस वाले केस में देखो यहाँ थोड़ी गलती हुई है, ये 1.8 हो जाएगा, ये 1.8 है, ठीक। अब एंटी लॉग लेता हूँ, एंटी लॉग में क्या होता है, हाँ जी एंटी लॉग निकालते हैं। एंटी लॉग का सबसे पहला पार्ट ही होता है, मैं एंटी लॉग निकाल रहा हूँ 1/0.8, ठीक। एंटी लॉग में सबसे पहले ये होता है प्योर वाली वैल्यू तो भूल जाओ, सिर्फ मेंटीसा पार्ट देखो, मतलब जो डेसिमल वाला पार्ट, डेसिमल वाला पार्ट इतना 0.8 है, तो सर 0.8 पे जाओ आप एंटी लॉग के टेबल में और देखो वहां पे क्या वैल्यू है, वहां पे वैल्यू है 6310। इतनी बात समझ में आती है, मैं सबको बता रहा हूँ एंटी लॉग 0.8 का भी बोलूंगा मैं, एंटी लॉग 1.8, एंटी लॉग 2.8, और एक बार वैल्यू लेते हैं एंटी लॉग 2/0.8, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला सिर्फ मेंटिस वाला पार्ट देखो, 6310 सर यहाँ पे जीरो है, लॉग नाम कर रहे थे, 8 वैल्यू पीछे आते थे, इसमें पॉइंट लाने के लिए हमें 8 वैल्यू आगे जानी है, यहाँ जीरो है प्योर वैल्यू, तो जीरो से 8 वैल्यू आए क्या 1, तो 8 के बाद पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से, इतनी बात समझ में आती है। ये आया 0.8 का, ठीक है, ये जीरो लिया मैंने, फिर 0.8 का। अब अगर मैं एंटी लॉग लिख देता हूँ 0.8, एंटी लॉग 1.8, ठीक है सर, 0.8 का ही देखो, 6310 तो रहेगा, यहाँ पे 1 है, कितने बार पॉइंट लगेगा 2 के बाद, इसी तरह 2.8 का क्या हो जाएगा, 2.8 का 6310 तो रहेगा ही, कितने बार पॉइंट 3 के बाद, ये वाली देखते हैं सर 2 बार है, 2 बार से पहले 1 बार देख लेते हैं, 6310 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू सबकी 6.310, 63.10, यहाँ पे 1 बार था, ठीक है, 1 बार मतलब क्या -1, उससे बड़ी वाली क्या 0, तो 0.6310 मतलब 0 के बाद पॉइंट, यहाँ पे तो नंबर था ना, तो ये 0 के बाद यहीं पे पॉइंट आएगा, यहाँ 2 बार है सर 6310 तो रहेगा ही रहेगा, -1 के बाद पॉइंट लेना है सर, यहाँ तो 0 था, -1 मतलब एक बार पीछे, तो यहाँ पे एक बार वैल्यू लेने पड़ेगी मेरे को, तो 0.0610, बोले सारी बात क्लियर आती है, सिंपल सर, ध्यान से देख लो, जवाब देख लो, क्लियर है। तो मुझे कितनी वैल्यू थी एंटी लॉग -1/1/0.8 की वैल्यू मेरे पास 0.630 आया, तो मेरे पास जो वैल्यू आई 1 माइनस आर की वैल्यू आई 0.6310, जहाँ से तो मेरे पास 1 माइनस आर की वैल्यू आई। अब मुझे बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बताना था, तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू ले सकता हूँ 0.06310, लेकिन अगर आपको आर बताना भी है तो फिर भी आप आर का सिंबल लोगे 1 माइनस 0.6310,
6310 दैट इज 0. क्या जा रही है 39.6.631 माइनस 1 दैट इज 0.369 0.369 या फिर 36.9%। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। ठीक है, ये आठ वैल्यू आई, आठ वैल्यू और भी नहीं है, हमें जो चीज बतानी है वो इससे हमारे पास फ्रूटफुल है हमारे लिए, लेकिन फिर भी आठ वैल्यू ने बता दी। इतना पॉज करो, अब जो क्वेश्चन ने बोला है वो निकालते हैं, इस बार दोबारा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो पॉज करो, नोट करो, कर लिया, मिटा रहा। मेरे पास अब क्या पूछा था क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने पूछा था कि बुद्ध को योगदान बताने के एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बताने के लिए, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बुद्ध वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या जाएगा मेरे पास, कितनी कॉस्ट है मेरे पास 500,000। ठीक है, 1 - r सर, 1 - ये r था ना, तो आप चाहे तो 1 - r पूरा लिख दो या फिर ऐसे लिख लो 1 - 0.369 पावर कितनी 3, कितने साल निकाल रहे 3 साल का, तो 5 साल 0.631 की पावर 3 इंटू में 500,000 करना, जरा 0.631 इंटू 2 3 इंटू में 500,000 डेट इज वैल्यू आ रही मेरे पास 125619.79 यही है। कहाँ है 125619.79 मतलब इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया 125620। बोलो इतनी बात समझ में आती है, दिस इज योर वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू इसने और भी कुछ पूछी थी, इसने बोला था यहीं वैल्यू, यही भूत वैल्यू आप मेरा तीसरे साल का जो एंड भूत वैल्यू बनाना है मेरे को, डेप्रिसिएशन का जो मेथड था वो स्ट्रेट लाइन था, ये जो मेथड था ये WDV मेथड था, WDV से। अब दूसरा पार्ट उसने पूछा वो SLM से पूछा था, SLM से तीसरे साल का डेप्रिसिएशन बताओ, सिंपल होता है, उसमें क्या होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ये एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता। ठीक है, तो ये नॉर्मल SLM यहाँ लिख देता हूँ, SLM नॉर्मल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी थी मेरे पास, टोटल कॉस्ट कितनी थी 500,000, स्क्रैप वैल्यू 50,000, नंबर ऑफ ईयर कितने थे 5, तो इतना 90,000। यह एक साल डेप्रिसिएशन, 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, 90,000 इंटू में 3 करोड़ तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर कितना हो जाएगा मेरे पास 90,000 इंटू में 3 कितना 270, तो माइनस कर दो आप, तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या हो जाएगा 500,000 माइनस 270 दैट इज 250। मिला लेते हैं आंसर, यस बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, सिंपल है, मैं डेप्रिसिएशन स्ट्रेट टाइम सिंपल हर साल वही लगता, तो मैंने 3 साल बता दिया, 3 साल डेप्रिसिएशन ही आ गया, टोटल कॉस्ट में से ये माइनस कर दिया 250, बोल की मत क्लियर, इसे पॉज कर लो। ठीक है, फिर करते हैं क्वेश्चन, पॉज करो, नोट करो।